आपका स्वागत है। जैसा कि आप आलू की फसल आप देख पा रहे हैं, ये बुआई किए हुए आज 30 से 32 दिन का समय हुआ है और आज हम अपने खेतों सर्वेक्षण के लिए आए हुए थे। जैसा कि मैंने देखा, खेत कहीं कहीं पत्ती खाने वाले कीड़े दिखाई दे रहे हैं। 1.5 एकड़ खेत 50 पौधों में ऐसी समस्या देखने को मिली, जिसको आप भी देख सकते। पत्ती खाने वाले कीड़े के साथ 8 से 10 पौधों में कटवार्म की समस्या मिली हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कीड़ा पौधे को जमीन पास से काट देता है और पौधा पूर्ण रूप से गिर जाता है, जैसे प्रतीत होता है किसी ने इसको काट के गिरा दिया है। अक्सर में देखा गया कि यह कीड़ा दिखाई नहीं देता है। यह कीड़ा रात्रिचर है, रात में ही पौधों पर अटैक करता है। दिन जैसे हो जाता है, यह कीड़ा आराम से मिट्टी की दरारों में छिप जाता है। किसान भाई, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपकी आलू की फसल में अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप देरी ना करें, इन कीटनाशकों में से किसी एक कीटनाशक का लाकर छिड़काव करें। लैम्डा सालोथ्रिन 5% ईसी 150 ml दवा को प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। यह दवा मार्केट में आपको कराटे के नाम से जरंडा के मिल जाएगी। अथवा क्लोरोपारिफॉस 50% ईसी 500 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। अथवा इमामेक्टिन बेंजोएट 5% ESG 80 से 100 ग्राम दवा को प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। अथवा फ्लुविंडायमाइड 39.35% ESC 50 ml दवा को प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। अथवा डाइक्लोरोवास 76% ईसी 300 ml दवा को प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। किसान भाइयों, यदि एक बार दवा छिड़काव करने के बाद खेत में आप जाकर देखते हैं और कीड़े कहीं कहीं पे दिखाई देते हैं, तो ऐसे समय में आप 7 से 10 दिन के अंतराल पर पुनः से इस दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। खेती से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी हमारे किसान भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।